नमस्ते गोविंद जी, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। ये पेशेंट है मिंटू, इसका नाम आयुष है, 16 साल का लड़का है, वजन 40-45 किलो करीब लगभग। इसको 9 तारीख को डेंगू बुखार आया था और इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखा के, इधर फेस 3 में बंगाली डॉक्टर, उस पर दिखा के उसकी दवाई खाते रहे 2-3 दिन। तो जब बुखार नहीं उतरा तो उसने पैरासीटामोल की 650 mg की दवाई लिख दी। तो जब तबीयत इसकी ज़्यादा बिगड़ने लगी तो फिर उनका फ़ोन आया था, तो मैं उनके घर गया था। तो मैं लड़के को हालत देखी तो बहुत लेटा हुआ था, बहुत बुरी हालत थी और मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह में छाले हो गए थे पूरे गले तक। फिर मैंने कहा ये दवाई बंद कर दो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, क्यों खिला रहे उसको। तो उसके बाद फिर मैंने आपसे भी बात करी थी उसके बारे में, तो आपने भी उसके बताया था। अच्छा, इसके गले के लिए तो इसको मुलेठी का काढ़ा बनाकर उससे गरारे वगैरह कराए और घूंट पीने के लिए भी बोला, तो उससे इसको आराम आ गया था दूसरे दिन। फिर साथ साथ में इसके गिलोय, तुलसी, पपीते का पत्ता, बकरी का दूध भी लिया इसने, और काली मिर्च इसका, और मुनक्के 6-7 बीज हटा के तो उसका भी पिया, तो उससे इसका बुखार कंट्रोल आ गया था। साथ में इसको होम्योपैथी की ओसीमम मदर टिंचर 20 बूंद पानी में 2-3 बार, कैरकेया पपैया क्यू 20 बूंद 2-3 बार, और चिरायता मदर टिंचर 5 बूंद दिन में 3-4 बार, बेलोडोना 5 बूंद 3-4 बार दिन में, और बायो कॉम्बिनेशन 11 की टैबलेट्स 4 गोली 3-4 टाइम चूसने के लिए बोला था। इससे दूसरे या तीसरे दिन ही इसको एकदम आराम आ गया था और प्लेटलेट्स भी इसके बढ़ गए थे। इसकी रिपोर्ट भी मैं इसमें भेज देता हूँ। इसका इसके लगभग प्लेटलेट्स इसके कितनी तारीख, 12 तारीख को 1,30,000 थे, 14 तारीख को 1,08,000, 15 तारीख को 1,00,000, 16 को भी 1,00,000, और फिर बाद में 18 तारीख को 1,72,000 हो गए थे इसके। धन्यवाद जी।